नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। भारत के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पे 41 मजदूर जो फंसे हैं उनके लिए एक एक पल भारी है। लेकिन जो रेस्क्यू टीमें हैं उसने भारत के लोगों के मन में उम्मीद जगा दी है कि वक्त लगे लेकिन मजदूर सुरक्षित हैं और ये सुरक्षित ही बाहर निकलेंगे। और इसके लिए कदम क्या उठाए गए हैं, दुनिया की एक्सपर्ट्स टीमें यहाँ पहुंची है। जिस टनल के इस वक्त मैं मौजूद हूँ पास में, उस टनल की तस्वीरें दिखाते दिखाते चार तस्वीरें आपके सामने रखूंगी। वो चार तस्वीरें इस बात की गवाही देती हुई कि हमारे जो मजदूर हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, वो सभी इस वक्त महफूज हैं, वो सभी सुरक्षित हैं। उनके परिवारजनों को, उनके रिश्तेदारों को और देश के नागरिकों को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तय है, ये सच है कि वक्त लग रहा है, लेकिन वक्त लगने के साथ साथ जो एक्सपर्ट्स टीमें हैं वो लगातार इस कोशिश में है कि इस टनल में जब तक वो हैं तब तक उनको ऑक्सीजन पहुंचाया जाए, खाना पानी पहुंचाया जाए। और इस वक्त पुष्कर धामी जो है, प्रदेश के सीएम जो है, वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। पीएम की निगाहों में ये पूरा मामला है। पीएम भी इस मसले को लेकर लगातार फोन पर पुष्कर धामी से बातचीत कर चुके हैं। वहां भी युद्ध स्तरीय बैठक चल रही है, यानी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक चहलकदमी जो है वो युद्ध स्तर पे है। जो एक्सपर्ट्स टीमें हैं वो क्या क्या कदम उठा रही है वो रिपोर्ट कल दिल्ली भी पहुंचाई जा रही है और वो रिपोर्ट देहरादून भी पहुंचाई जा रही है। यहाँ के आसपास के इलाकों में वो परिवारजन भी आने की कोशिश कर रहे हैं जिनके परिवार के सदस्य मजदूर के तौर पर यहाँ पे काम करते थे और वो इस वक्त फंसे हुए हैं। तो सरकार के स्तर पे, हर स्तर पे कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द, भले ही वक्त लगे, लेकिन सुरक्षित इन सभी मजदूरों को निकाला जाए। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात और राहत की खबर रही, आज जो सुबह सुबह देश ने एक तस्वीर देखी, एक वीडियो जो देखा, उससे सबके मन में उम्मीद जगी है कि मजदूर सुरक्षित हैं और इन मजदूरों को सुरक्षित होने से सबने राहत की सांस ली है। मैं सीधे अपने सहयोगी का रुख करूंगी, प्रियंका कांडपाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। प्रियंका कांडपाल, ये वाकई सच है, वक्त लगेगा लेकिन हमारे सभी जो मजदूर बंधु हैं वो एक एक करके बाहर निकलेंगे, जो दुनिया के एक्सपर्ट्स टीमें यहाँ पे काम कर रही है। जी बिल्कुल, और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखें किस तरीके से पूरा जो रूट है उसको अब यहाँ से बैरिकेड कर दिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बेहद सेंसिटिव अब ये जोन है। बाहर जब पहाड़ी जहाँ पर टनलिंग होनी है, वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, उस पूरे रास्ते को फिलहाल बंद करके यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और यहाँ पर अब किसी की भी बिना बेवजह एंट्री नहीं होगी। आप टनल की तस्वीरें देख लेते हैं, यहाँ पर ऑगर मशीन जो है वो चलनी शुरू हो चुकी है। ऑगर मशीन का ही इंतज़ार किया जा रहा था। तीन दिन पहले जब भूकंप के झटके महसूस हुए थे उसके बाद से काम को रोका गया था, क्योंकि ऐसे में जब भी भूकंप आते हैं उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी आते हैं और काम करना ऐसे में और ज़्यादा रिस्की होता, तो वो ऑगर मशीन आ चल गई है। तो पहला पांच मोड़ों में से पहला जो मोड है वो आपको हमने दिखाया टनलिंग में, जो मेन टनल है वहाँ से काम शुरू हो गया है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए अब फाइनल रिसर्च हो रही है जिसपे पहाड़ के पीछे। मैं आपके पास आती हूँ प्रियंका, प्रियंका आपके थ्रू हम ये रिपोर्ट देखेंगे और जो विजुअल ब्रीफ करी है उसे भी देखेंगे, लेकिन सुनील के पास मैं चलती हूँ। सुनील, आपसे मेरा पहला सवाल यह है, मुझ तक जो खबर पहुंची अब से कुछ ही दिन में, दुनिया के वो एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने इस तरीके के कई रेस्क्यू ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया है, उनके पहुंचने से कितनी उम्मीद है, क्योंकि तीन दिन का लंबा वक्त, उसके बाद भारत में उत्तरकाशी वो पहुंचते हैं और उत्तरकाशी पहुंचते ही वो ये ऑपरेशन और भी आगे बढ़ जाता है। देखिए, सबसे पहली बात कि जो देश दुनिया के एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं, जब यहाँ पर ऑगर मशीन शुरुआती दौर में यहाँ पर संचालित हुई थी, 1750 हॉर्स पावर की ये मशीन है और जब मशीन चलती है तो उसके वाइब्रेशन से टनल यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि लूज फॉल बढ़ने लगा था और यही कारण है कि बाद में जो मशीन है उसको यहाँ पर बंद करना पड़ा था। उसके बाद टनल के अंदर वो तमाम इंतजाम किए गए हैं, फेब्रिकेशन की व्यवस्था की गई है ताकि जो वाइब्रेशन है उसका असर कम से कम टनलिंग पे हो जब यहाँ पर ऑगर मशीन चले। ऑगर मशीन शुरू हो चुकी है, 22 मीटर की डिस्टेंस हम पहले ही पार कर चुके थे, 35 मीटर की डिस्टेंस पार होनी है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि ऑगर मशीन यदि ठीक ठाक काम करते रहे तो अगले एक से दो दिन में कुछ बड़ा अचीवमेंट हमको हासिल हो सकता है। इसके साथ ही जो विशेषज्ञ हैं टनलिंग के, उनकी राय पर आप देख सकते हैं इस पहाड़ी के ठीक ऊपर यहाँ पर बोरिंग की जा रही है और ये कुछ समय बाद ये बोरिंग शुरू हो जाएगी। 1.2 डायमीटर की, करीब 85 मीटर इसकी डेप्थ होगी, ये बोरिंग की जाएगी और इसके साथ साथ हॉरिजेंटल बोरिंग भी इसी पहाड़ी से होगी जिसकी डेप्थ करीब 1.5 से 2 मीटर की होगी और 170 मीटर इसकी लंबाई होगी। इन सब प्लान पर एक साथ काम हो रहा है। टीएसडीसी ने जो इस टनल के एंड में जो 2 मीटर सुरंग बनाने का टीएसडीसी ने जो काम शुरू किया था फिलहाल उसको रोका गया है। जी